हेलो गाइस, हम लोग फिर से खेल रहे हैं हीरोज इंक एंड शिनचैन अपना सबसे पावरफुल हीरो लेने वाला है आज, और वो है गाइस थंडरस्ट्रक। हाँ गाइस, थंडरस्ट्रक ले रहा हूँ गाइस, वो काफी पावरफुल हीरो है। इसको बनाने के लिए बॉडी चाहिए और ये बिजली का ताकत चाहिए। इसको फ्यूज कर दोगे तो बन जाएगा थंडरस्ट्रक। और गाइस थंडरस्ट्रक को काफी लोगों ने पसंद किया क्योंकि थंडरस्ट्रक थोड़ा थॉर जैसा है, इसलिए मैं इसको आज और पावरफुल बनाने वाला हूँ अटैक को यूज करके। अरे भाई अटैक यूज कर रहा है भाई, इसके पास ऑलरेडी बहुत सारा ताकत है और भी ताकत डाल रहा है इसके अंदर। अरे हाँ, जितना ताकत उतने आसानी से हम लोग दुश्मनों को मार पाएंगे ना, और ऊपर से आज तो हम लोग को काफी खतरनाक वाले दुश्मन देखने को मिलेंगे यार, है ना बोल? हाँ गाइस, आज तो काफी खतरनाक वाले दुश्मन हम लोग को देखने को मिलेगा। एंड गाइस, अगर आप लोग को आई एम बोल गेमिंग चैनल पसंद है तो डेफिनेटली गाइस सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना मत भूलना। एंड गाइस, आई एम बोल गेमिंग 2.0 को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि वहाँ पे फनी गेम प्लेस और आर्क सर्वाइवल इवॉल्व के गेम प्लेस आ रहे। हाँ गाइस, जरूर से फॉलो कर लेना बोल भाई के सेकंड चैनल को। एंड देखा ना थंडरस्ट्रक का पावर कितना सारा है, तो चलो नेक्स्ट लेवल में चलते हैं यार। नेक्स्ट लेवल में और भी ज्यादा खतरनाक विलन जाएंगे, लेकिन मैं आज कसम खा के बोल रहा हूँ बोल, मैं भी आज एक बहुत ही पावरफुल हीरो बनाने वाला हूँ। एंड गाइस, अगर आप लोग को देखना है कि चॉप ने प्रीवियस एपिसोड में कैसे कैसे सुपर हीरोज बनाए थे तो डेफिनेटली गाइस चेक कर लेना हीरोज इंक पार्ट 1 को, ठीक है। एंड गाइस देख सकते हो शिनचैन ने बहुत आराम से इतने पावरफुल दुश्मनों को मार दिया। अरे ये तो थंडरस्ट्रक का कमाल है यार। और अब बाप रे, यहाँ पे ना और भी विलन जा रहे हैं भाई, कितने सारे विलन्स को मारना पड़ेगा यार। मैं बोल रहा हूँ ना, आज तुम लोग को बहुत सारे विलन्स को फेस करना। वैसे शिनचैन ने तो खत्म कर ही दिया, तो शिनचैन तो आगे बढ़ ले यार। ओके, आगे बढ़ लेता हूँ। एंड शिनचैन, मैं तेरे को एक न्यू हीरो गिफ्ट करने वाला हूँ। ओके, तो ये कौन सा चूज करेगा भाई? मेरे पास ऑलरेडी दो आइस वाले हीरो है, तो चूज करूंगा ये फाइटिंग वाला रेनबो कलर वाला, क्योंकि चॉप के पास भी किकस्टार वाला एक ब्रूस ली जैसा हीरो है, तो मैं भी ले रहा हूँ एक ब्रूस ली जैसा हीरो। ओके, बहुत बढ़िया चॉइस। अब देखते हैं चॉप कैसा हीरो बनाता है गाइस। तो गाइस, शिनचैन ने पिछला राउंड थंडरस्ट्रक लेकर के बड़े ही आराम से कंप्लीट कर दिया। तो शिनचैन, तेरे को मैं अभी शहर में भेजने वाला हूँ गुंडों को मारने के लिए, और टूटो या बाकी दो हीरो नहीं ले पाएगा, सिर्फ तू फ्रॉस्ट साइट ही ले पाएगा। हाँ हाँ, मैं फ्रॉस्ट साइट ही ले रहा हूँ क्योंकि बाकी दो हीरो चॉप का है ना, इसलिए गाइस मुझे फ्रॉस्ट साइट ही लेना पड़ा यार। हाँ, फ्रॉस्ट साइट क्या ही कर लेगा भाई, ये तो बहुत कमजोर है। अरे गाइस, इस हीरो को ये कमजोर बोला है, लेकिन ये गाइस देख सकते हो आंखों से यार बर्फीला अटैक छोड़ सकता है यार, ये साइक्लोप्स जैसा है यार। अरे तेरा वो ऑप्टिक ही सबसे अच्छा हीरो है, ठीक है, मेरे को सबसे अच्छा लगता है। और यार आज तो हम लोग शायद से डॉक्टर कॉस्मोक को देखने वाले। एंड गाइस, हाँ, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने डॉक्टर कॉस्मोक को अनलॉक किया था, शिनचैन का हीरो था, वो काफी ओपी है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं उसका पावर। एंड फिलहाल देख सकते हो शिनचैन तो काफी स्ट्रगल कर रहा है यार। अरे हाँ यार, ये फ्रॉस्ट साइट तो काफी वीक निकला यार। अरे यार, इतना कमजोर हीरो। अरे भाई, इसको तेरे को अपग्रेड करना पड़ेगा यार। मेरे को लेकिन हंसी आ रहा है शिनचैन को देख करके। शिनचैन, अगर तूने ये राउंड नहीं कंप्लीट कर पाया तो तेरे को आज कोई शहर इन्वेजन में मैं नहीं भेजने वाला हूँ, ठीक है। अगर तू कर भी लेता है, कोई सा भी राउंड तूने कंप्लीट कर भी लेता है, तब भी तेरे को नहीं भेजूंगा क्योंकि तू अभी हार जाएगा। अरे यार, ऐसा क्यों यार? अरे मैं तो हार गया यार, ये कितना स्ट्रांग साइक्लोप्स था यार। मजा आ गया यार। A few minutes later. Okay guys, अब मैं बनाने वाला हूँ यार, मुझे एक ऐसा हीरो चाहिए जिसके पास बर्फ का शक्ति है और उड़ने का शक्ति है। अरे यार, तूने क्रिस्टल लाइसेंस बना दिया, तो गाइस ये कोई क्रिस्टल फेंकने वाला हीरो होगा। लेकिन चॉप, मैं बता देता हूँ ये राउंड काफी खतरनाक होने वाला है। अरे खतरनाक होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मार देंगे। इसमें एक बहुत बड़ा बिच्छू बॉस भी आने वाला। बिच्छू बॉस क्रिस्टल लाइसेंस के सामने सब फीके पड़ जाएंगे यार। ये बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है, लेकिन ये हीरो तो काफी ओपी है यार। पुल तो देख रहा है, ये कंटीन्यूअस अटैक कर सकता है, ये क्रिस्टल्स फेंक सकता है यार। अरे कैसा लगा भाई, ये कंटीन्यूअस अटैक तो फेंक रहा है, लेकिन इसका हेल्थ इतना जल्दी जल्दी जा क्यों रहा है यार? इस राउंड का जो एनिमीज है वो भी काफी खतरनाक है, ठीक है। लेकिन चॉप बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है गाइस, देख सकते हो बढ़िया परफॉर्म कर रहा है गाइस। पहले राउंड के विलन को तो मार दिया, अभी तो आगे बढ़ सकता है। और कहां पे हुआ बिच्छू बॉस? आजा बिच्छू, आ बिच्छू 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 बिच्छू। ये बिच्छू तो काफी ज्यादा बड़ा है यार, मेरे को लगा छोटा सा बिच्छू होगा यार, इसके जैसा यार। लेकिन ये छोटा सा बिच्छू जो इसके साथ है वो भी काफी खतरनाक है। टूटो मर गया भाई, टूटो मर गया। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, इस बार और एक खतरनाक विलन मैं बनाने वाला हूँ। अरे विलन बनाएगा कि तू? मतलब हीरो बनाने वाला हूँ। ये देख, मैंने बनाया शटर, ये एक वोल्वरिन जैसा हीरो है यार। ओके गाइस, एक वोल्वरिन जैसा हीरो बनाया। एंड एक चीज बता दे रहा हूँ गाइस, इस हीरो के पास 2 लाइफ है, ठीक है। हाँ, 2 लाइफ है क्या? तो एक काम करता है, अटैक ही ले लेता हूँ यार। इतना मारेंगे क्या बताओ कितना मारेंगे भाई। तो चलो यार, इसके पास 2 लाइफ है ना, तो लाइफ का तो कोई टेंशन है ही नहीं यार। लाइफ हो तो ऐसी यार कितना फास्ट तरीके से मार रहा हूँ यार। लेकिन चॉप, ऐसे घुस के मत मार भाई, तेरा 1 लाइफ चला जाएगा यार। अरे यार, 1 लाइफ चला गया क्या? अरे यार, 1 लाइफ चला जाएगा यार, मैंने बोला था। एंड 1 लाइफ तो चला भी गया। अभी मार ले इसको, मार ले। मैंने बोला ना कि ये एनिमीज काफी स्ट्रॉन्ग है यार। चॉप, इन लोग को यार हल्के में मत ले यार। ओके, अरे इस बार तो इस बिच्छू बॉस को मैं डेफिनेटली मारने वाला। मुझे इसका तरकीब पता चल गया। कैसा है इसका तरकीब यार, मेरे को भी बता दे, मैं भी इसको मार सकूं नेक्स्ट राउंड में। अरे भाई तेरे को क्यों बताऊंगा, वैसे बता देता हूँ, इसके छोटे वाले बिच्छू को पहले मारना पड़ेगा। ठीक है, छोटे वाले बिच्छू को जब मारेगा तो ये अकेला पड़ जाएगा, तो इसको पीछे पीछे से मार सकता है, नहीं तो ये छोटा वाला बिच्छू पीछे से अटैक कर देता है यार। अच्छा, ऐसा क्या? देख सकते है वो पॉइजन भी फेंक रहा है वो छोटा वाला बिच्छू, तो इस बड़े वाले बिच्छू को मारूंगा मैंने, क्योंकि छोटे वाला बिच्छू को मार दिया। लेकिन शायद से तू नहीं मार पाएगा। अरे ऐसा डिमोटिवेट मत कर यार शिनचैन, मैं उसको मारूंगा, डेफिनेटली मारूंगा। एंड चॉप तो काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है शिनचैन, तो देख सकता है उसने बड़े से बिच्छू बॉस का हेल्थ इट्टू सा लेके आ गया। आप देखते हैं अब इस चॉप जाएगा। भाई तू इतना पास में क्यों चला जाता है, अब चॉप जाएगा, देखना गाइस गया खत्म। अरे यार हार गया यार। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं चॉप, अब मैं बनाने वाला हूँ। गाइस मुझे एक बोल्ट ने हीरो गिफ्ट किया था तो वही हीरो बना लेता हूँ यार, वो भी यार एक फाइटिंग टाइप हीरो है तो उसको बना लेता हूँ। गाइस ये है फिएस्टा। अरे यार शिनचैन मेरे को नहीं लग रहा था कि फिएस्टा इस राउंड को कर भी पाएगा यार। ओके गाइस देखते हैं ये कर पाता है कि नहीं, लेकिन मुझे तो लग रहा है शायद से कर पाएगा, तो मैं एक काम कर अटैक ही चूज कर लेता हूँ यार। ओके गाइस शिनचैन ने अटैक चूज करा, आप देखते हैं गाइस फिएस्टा एक फाइटिंग टाइप हीरो है, क्या परफॉर्म कर लेता है। गाइस मुझे नहीं लगता कि फिएस्टा इस राउंड को भी कंप्लीट कर पाएगा। अरे यार बोल सही में यार, मार डाला यार। मैंने बोला ना भाई फिएस्टा इन सब राउंड के लिए नहीं बना है दोस्त। ओके तो मैं इस बार कोई पत्थर वाला हीरो बनाने वाला हूँ, मैं पत्थर को चूज करने वाला हूँ और फिर बॉडी को चूज करने वाला हूँ। और शिनचैन तूने क्रम्बल करके एक हीरो बना दिया भाई, ये तो फैंटास्टिक फोर में जो था 20 उसके जैसा है भाई। और ये देख सकते, ये तो पत्थर फेंक सकता है। एक काम करता हूँ, ये पत्थर का है ना तो स्पीड चूज कर लेता हूँ यार, इसके पास ऑलरेडी बहुत सारा ताकत है। शिनचैन जैसे की मैंने चॉप को बोला था ये राउंड काफी खतरनाक होने वाला है, यहाँ पे एक स्कॉर्पियन किंग आने वाला है। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं, बॉल टूटे देखा, ये तो चट्टान निकाल सकता है, बड़े बड़े चट्टान निकाल सकता है यार। अरे बाप रे ये क्रम्बल तो काफी खतरनाक है यार। बोल्ट यार इसने तो सही में कमाल का हीरो बना दिया यार। हाँ इसने कमाल का हीरो बना दिया, लेकिन ये हीरो कमाल का तब लगेगा जब ये स्कॉर्पियन बॉस को डिफीट कर पाएगा। अरे यार ये शायद से डिफीट कर भी लेगा यार, देख सकता है यार क्या है, और आराम से मार रहा है यार। एंड शिनचैन मैं एक चीज बोल रहा हूँ, इसके पास भी 2 लाइफ है। ठीक है, अरे इसके पास भी 2 लाइफ है क्या? ओके स्कॉर्पियन किंग मैं तेरे को हराने वाला हूँ। मुझे नहीं हरा सकता है तू। अरे तू बात भी कर सकता है क्या? मैं तो बात भी कर सकता हूँ यार। मारो इसको, मारो इस पत्थर वाले इंसान को। अरे मेरे को मारेगा तू, तेरे को दिखाता हूँ मैं कितना स्ट्रांग हूँ। ठीक है ये ले, अरे ये ले। अरे मैंने तो तेरा आधा हेल्प कर ही दिया यार, तूने तो मेरे को कुछ भी नहीं बिगाड़ा है यार। अरे सही में यार शिनचैन ने कहा इट्टू सा भी हेल्प नहीं जा रहा यार। बोल इसने तो स्कॉर्पियन किंग को हरा भी दिया यार। क्या हो गया यार, स्कॉर्पियन किंग हरा दिया ना। अरे यार शिनचैन तेरा क्रम्बल ये पत्थर वाला इंसान तो काफी स्ट्रांग है। एंड यार मेरे को सीरियसली काफी मजे आ गए गाइस। तो गाइस आप लोगों को आज का सबसे अच्छा हीरो कौन सा लगा अभी तक, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, एंड इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं गाइस जिसका आप लोग बेसब्री से वेट कर रहे हो, डॉक्टर कॉस्मो को। वो शिनचैन का सबसे पावरफुल हीरो है एंड अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है, वो एपिक हीरो है। एंड गाइस मेरे पास भी एक एपिक हीरो है, स्टिंगर। अरे यार यहाँ पे तो फिर से आ गए एनिमीज यार। एंड हाँ गाइस चॉप के पास भी एक एपिक हीरो है स्टिंगर, वो मैंने पार्ट 1 में दिखाया है। तो गाइस वो हीरो आप लोग को देखना है तो डेफिनेटली पार्ट 1 चेक कर लेना। ठीक है, कमाल का हीरो है गाइस, कमाल का हीरो है स्टिंगर। ठीक है, तो शिनचैन जल्दी से इन लोगों को मार दे। ओके मार रहा हूं यार, कतई बहुत इजीली मार रहे हैं यार। ओए मजा सा आ गया यार, खत्म कर दिया मैंने स्कॉर्पियन किंग के लेवल को और इसी के साथ मुझे विक्ट्री मिलने वाला है यार। अरे शिनचैन तू तो बढ़िया खेल गया यार। चॉप तूने मुझे इतना तारीफ किया, क्रिस्टलाइसिस मुझे हीरो बहुत ज्यादा पसंद आया, तो तेरे को मैं कार्ड गिफ्ट देना चाहूंगा ताकि तू अपग्रेड कर सके यार। अरे यार तू कितना दिलदार इंसान है यार। तो गाइस कॉस्मो को बनाने के लिए चाहिए दिमाग और कॉस्मिक पावर, और ये फिर बन जाएगा कॉस्मोस। ओके तो गाइस देख सकते हो कॉस्मोस बन करके रेडी हो चुका है। एंड गाइस ये मेरा सबसे ओपी हीरो है। तो गाइस कॉस्मोस सही में काफी ओपी हीरो है, तो क्या चूज करेगा? मैं अटैक ही चूज करूंगा यार। अरे भाई इसके पास ऑलरेडी बहुत ताकत है, और भी ताकत डाल रहा है इसके शरीर में भाई, ये तो फूट ही जाएगा। नहीं फूटे। ओ ये क्या देख रहा हूँ? अरे गाइस ये क्या देख रहा हूँ गाइस, कॉस्मोस तो टीन टीन होकर के मारता है यार। मैं हूँ कॉस्मोस। अरे कॉस्मोस ने कुछ बोला यार। मैं हूँ विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा। अरे यार ये बोल रहा है कि ये सबसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा है यार। हाँ हो भी सकता है गाइस। एंड एक चीज बता दूं गाइस, ये तो एक लेवल 1 का कॉस्मोस है गाइस। सोच सकते हो गाइस ये लेवल 10 पहुंचने के बाद कितना ज्यादा ताकतवर बनेगा यार। अरे हाँ यार गाइस हम लोग ने ये लेवल तो कंप्लीट कर दिया है। मैं हूँ लावा मैन। अरे यहाँ पे एक लावा मैन भी है। मैं काफी खतरनाक लावा मॉन्स्टर हूँ। अच्छा लेकिन तेरा सामना हो रहा है किसके साथ? तेरा सामना हो रहा है कॉस्मोस के साथ। और तेरे को तो उड़ा ही डालेगा यार, एंड कॉस्मोस का तो हेल्थ जाता ही नहीं यार बोल। हाँ गाइस मैंने एक चीज नोटिस करा, इसका तो हेल्थ जाता ही नहीं, तो क्या चूज करेगा कार्ड? मैं चूज करूंगा रॉकमैन का कार्ड, क्योंकि मुझे रॉकमैन को भी अपग्रेड करना है, एंड रॉकमैन काफी शक्तिशाली दिखा था मेरे को। एंड गाइस तो यही था गाइस कॉस्मोस का पावर। आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना। गाइस अगर आप लोगों को अगला एपिसोड देखना है तो पार्ट 3 100 कमेंट्स करो गाइस, पार्ट 3 करके, तो डेफिनेटली इसका पार्ट 3 मैं लेकर के आने वाला हूं। बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा। एंड इसी के साथ गाइस कॉस्मोस अभी जीतने वाला है गाइस। एंड हां डेफिनेटली कमेंट करना कौन सा हीरो सबसे अच्छा लगा। ठीक है, मिलते हैं गाइस, बाय बाय।